बिहार सरकार के मुख्य सचिव और जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत में वीडियो डॉक्टर रविरंजन मोहम्मदपुर में एसडीएम अशोक कुमार मंडल, अकौर में एसडीसी बीएल पांडे, ढकजरी पंचायत में एसडीसी नसीम कुमार निशांत और ततोथ और तयोथ पंचायत में नगर निगम मधुबनी के आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बुधवार को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की स्थलीय जाँच की। जांच में नल जल, गली नली, पीएम आवास, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, राशन, स्वास्थ्य एवं जन वितरण एवं मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं का शामिल थे। जांच में कई योजनाओं में गड़बड़ी देखने को मिली तो कई योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद भी मिला। जांच के लिए वीडियो जब परौल पंचायत के मध्य विद्यालय पर पहुंचे तो कुल 9 शिक्षक में एक शिक्षक उमेश कुमार पंडित के द्वारा 2 दिनों के अवकाश का आवेदन रखा था और वे 4 दिनों से अनुपस्थित थे। विद्यालय में बच्चों का कक्षा संचालन का रूटीन चार्ट नहीं बना था और विद्यालय में फर्नीचर का अभाव था। इसके बाद वार्ड 7 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 196 का जायजा लिया गया, जहां सेविका सीमा देवी और सहायिका विभा देवी मौजूद थी। बच्चों पोषाहार बन रहा था, वहां पंजीयों की जांच की। इसके बाद वीडियो ने लाल सिंह का पीडीएस दुकान की जांच की, जहां अनाज व किरोसिन का स्टॉक व वितरण पंजी का अवलोकन किया। वितरण पंजी अपडेट नहीं थी, नियमित संधारण के निर्देश भी दिए गए। इस क्रम में उन्होंने वार्ड 10 में नल जल योजनाओं की जांच की, जहां जलापूर्ति होते हुए पाया गया। जांच के क्रम में पीएम आवास योजना के लाभुक देविका देवी का निर्माणाधीन घर का जायजा भी लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। वार्ड 9 में पीसीसी सड़क और झोजी गांव में गली नली का जायजा भी लिया। वहीं नगर आयुक्त श्री चौधरी ने तयोत पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 269 का निरीक्षण किया, जहां सेविका रीता कुमारी उपस्थित थी। कई वर्षों से बिना सहायिका के ही केंद्र संचालन किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद विभिन्न वार्डों में संचालित नल जल योजना के निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 वार्डों में रिपेयरिंग के कारण तो कई वार्डों में अन्य कारणों से नल जल आपूर्ति ठप थी। इसके बाद उन्होंने पीएम आवास व मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की जांच की। उधर अकौर पंचायत में वरीय उप संहारता बालेंदु नारायण पांडे, धजरी में वरीय उप संहारता नसीम कुमार निशांत और मोहम्मदपुर पंचायत में एसडीओ अशोक कुमार मंडल के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की, जिसमें स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, पीडीएस, मनरेगा, नल जल, गली नली एवं व पीएम आवास सहित अन्य योजना शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दिया जाएगा। मौके पर अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोग भी शामिल हैं। सब लोग शुद्ध पानी है, उस पानी से बीमार नहीं पड़िएगा, डॉक्टर का फीस बचेगा, लेकिन उस पानी से कपड़ा नहीं धोना है, उस पानी को केवल पीना है और खाना बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो हम लोग करवाते हैं। अच्छा मित्र है या 13 से अब इस तरह बीमार और एकदम कुछ नहीं मालूम है वाले भाव में सर, एक्चुअली मैं बीमार है, इसीलिए बीमार था। विद्यालय भी बीमार कर रही है, कोई प्रबंध नहीं है आपके। हाँ जरा हम देखेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।